हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी 42,400 का पुट, इसका एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे के बेस पे किस प्रकार का मोमेंटम रहा पूरे दिन में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ऑप्शन एक्स स्ट्रेटेजी, एक एडवांस इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के बेस पे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई आपको परफेक्ट कॉल मिलता है ये स्ट्रेटेजी में, तो वो परफेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट दे देता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के कॉल्स में आपको ट्रेड करना है, जो हम परफेक्ट कॉल मानते हैं और जिनमें परफेक्ट हमें फर्स्ट टारगेट मिलता ही मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आप सामने देख रहे हैं 42,400 का पुट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको प्रेफर करना है ऑप्शन के लिए, ठीक है। और जो आज का मार्केट बना मॉर्निंग से लेके, आप देख सकते हो कोई भी खास यहाँ पे कॉल आपको जनरेट नहीं हुआ मॉर्निंग से। उसके बाद जो एक अच्छी मूवमेंट मिली थी आपको बैंक निफ्टी में, वो अराउंड 1:30 बजे थी, जो एक बाय कॉल का जनरेशन करवाया और वो परफेक्टली आपको टारगेट दे गया। अब ये कॉल कितना परफेक्ट है जो आपको पता लगता, जिसके बेस पे आपका फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट कंफर्म होता, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो जिस भी कैंडल पे कॉल जनरेट होता है उस कैंडल के क्लोजिंग तक का हमें वेट करना है। सो हम एंड ऑफ द कैंडल वर्क करेंगे। एंड ऑफ द कैंडल वर्क करने का फायदा ये होता है कि आपको जो भी कॉल मिलता है वो कन्फर्म ही होता है। अगर एंड ऑफ द कैंडल कॉल नहीं मिला तो आप उस कॉल या फिर उस सिग्नल को अवॉइड करते हो, तो यहाँ पे आपका कोई भी कॉल रिपेंट नहीं होता है। ये नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है और परफेक्टली आपको ये टारगेट दे देता है अगर कोई कंफर्म कॉल आपको मिले। तो कंफर्मेशन के लिए आपको 3 से 4 पैरामीटर्स देखने होते हैं। उसमें से पहला वॉल्यूम होता है। जब कोई कॉल कंफर्म हो जाए, सिग्नल आ जाए, एंड ऑफ द कैंडल आपको देखना है, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का वॉल्यूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका जो बायर सेलर्स का परसेंटेज, ये आपको देखना है। यहाँ पे बायर्स मैक्सिमम होने चाहिए क्योंकि हम बाय कॉल को एनालाइज कर रहे हैं। थर्ड थिंग जो होती है, ये स्टॉप लॉस की लाइन आप देख रहे हो, व्हाइट लाइन यहाँ पे मार्क होके जा रही है, तो इसको स्टॉप लॉस की लाइन हम बोलेंगे। और ये जो स्टॉप लॉस की लाइन है ये आपकी सिग्नल के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद जो ट्रेंड लाइन है ये भी आपकी ग्रीन कलर में होनी चाहिए क्योंकि आप बाय कॉल को एनालाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर इंडिकेशन कोई भी कॉल देता है तो परफेक्टली आपको टारगेट दे देगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हो हेकेनेसी कैंडल पैटर्न है। अगर आप नॉर्मल कैंडल पैटर्न चाहते हो तो आपको राइट क्लिक करना है। चार्ट पे आप राइट क्लिक करोगे, पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे हेकेनेसी को सिलेक्ट करके कैंडल स्टिक में चेंज कर दोगे। तो आप देख सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न चेंज हो गया। तो ये कॉल जो जनरेट हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स रहेंगे वो कॉल को लेकर। 180 के आसपास का आपकी एंट्री बनी और जो टारगेट इसका था 198, 224 और 270 का। तो इजीली आपको इसने तीनों भी टारगेट दे दिया। अगर फर्स्ट टारगेट की भी बात करें तो आपको इजीली 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। सो एक लॉट का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अराउंड 180 का आपका एंट्री था और लॉट साइज आपकी 25 की, तो 4,500 का आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। और जो प्रॉफिट आपको मिला है इस ट्रेड में वो 20 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो, ये होता है 500 रुपये का। तो इस तरह आपको ये परफेक्टली टारगेट दे दिया। अगर पूरे दिन में आप देखो तो एक ही सिंगल कॉल आया, सिंगल कॉल आपको प्रॉफिट दे गया। इसके पहले भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जो निफ्टी का है, 17,700 का पुट, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे कॉल बना और जो आपको परफेक्टली टारगेट उसमें भी मिल चुके थे। तो इसी तरह का एनालिसिस आप अगर करोगे तो परफेक्ट कॉल आपको श्योरली टारगेट दे जाते हैं। तो इस तरह के कॉल्स ये स्ट्रैटेजी आपको देती है। इसके अलावा भी कुछ इंडिकेशंस आपको स्ट्रैटेजी में मिलेंगे, जैसे कि कैंडल के कलर चेंज होना या फिर ये नॉचेस जनरेट होना, उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, इनका भी कुछ यूज होता है। इसका बेटर जो भी यूज किस प्रकार से आपको एनालाइज करना है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऊपर दिए आई बटन पर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का एनालिसिस आप करिए और परफेक्टली आपको ये टारगेट्स मिल जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए
और चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय।